सीएम सिटी करनाल में अमेरिका से ऑपरेट किए जा रहे फिरौती रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरोह का मास्टरमाइंड असंध का निवासी दलेर सिंह है, जो कि अमेरिका में रहकर इस गिरोह को चला रहा था। इस गिरोह के सदस्य डॉक्टरों को फोन पर धमकाते थे और लाखों की फिरौती वसूलते थे। मामले की जांच में जुटी करनाल पुलिस की सीआईए टीम ने बीती 5 जुलाई को गिरोह के 3 सदस्यों को 15 लाख की फिरौती लेते हुए दबोचा था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए। ऐसे 23/6/2021 और 26/6/2021 को असंध के दो डॉक्टर, डॉक्टर राजेश ओम हॉस्पिटल और डॉक्टर संदीप मीनाक्षी हॉस्पिटल के पास कुछ नंबरों से कॉल आ रही थी और कॉल जो कॉल करता था उनसे धमकी देकर और जान से मारने की बात कहकर पैसों की मांग कर रहा था, फिरौती की डिमांड कर रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी साहब ने इस जांच को सीआईए टीम को सौंपा गया, जो हमने 5 तारीख को डॉक्टर राजेश के से जो पैसे मांगे थे 15 लाख रुपए फिरौती के तौर पर, हमने दिल्ली से 2 आदमियों को रेड हैंडेड 15 लाख रुपये में ट्रैप कर लिया था। और इस मामले में हमने एक नवनीत सक्सेना जो कि बिलासपुर रामपुर का है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। जो दिल्ली से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उनको जो कल हमने 5 दिन के पुलिस रिमांड पे था उसको तो जेल भेज दिया गया, और नवनीत सक्सेना को भी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर था, उससे भी गहनता से पूछताछ की गई। जब गहनता से इस मामले की जांच की गई तो इसमें दलेर नाम का एक युवक जो असंध का रहने वाला है और अमरीका में रह रहा है और अमरीका से ही कॉल करके डॉक्टरों से फिरौती की मांग कर रहा है। तो पहले क्या बैकग्राउंड है जो पकड़े गए हैं? जो हमने 2 युवक जो दिल्ली के पकड़े हैं, उनका जो एक काम था वो कमीशन के ऊपर 2 नंबर के पैसों को जो व्यक्ति जो स्थान देता वहाँ पर पहुँचाते थे। और जो नवनीत सक्सेना है वो भी दिलेर का ही साथी था, और दिलेर ने उसको कॉल की थी कि आप हमारे जो 15 लाख रुपये फिरौती के हैं उनको मेरे अमरीका में हवाला के जरिए पहुँचा दीजिए। और तो हमने इस पूरे मामले में एक जाल बिछाया और 2 व्यक्तियों को पैसे गिनने की मशीन 5 तारीख को और 27 लाख रुपए और कैश उनसे बरामद किया गया, और 15 लाख रुपए जो फिरौती के वास्ते वही बरामद। इनका क्या संबंध था आपस में क्या संबंध था दलेर और जो यहाँ वाले आरोपी? दलेर जो है कि 2 नंबर में अमेरिका गया हुआ है, दलेर की जो पृष्ठभूमि है वो भी, उसके ऊपर भी आपराधिक मामले 1-2 दर्ज हैं, जो अमेरिका में चला गया था और अमेरिका से उन्होंने फर्जी नंबरों के द्वारा एक ऐप के द्वारा और फर्जी नंबरों के द्वारा यहाँ डॉक्टरों से कॉल करके फिरौती की डिमांड की। और दलेर के मन में ये था कि वो फर्जी नंबरों का सहारा लेकर उसको पुलिस प्रेस आउट नहीं कर सकती, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी तेज तरार हो वो पुलिस की नज़रों से नहीं बच सकता। इस ग्रोह ने बीते महीने असंध इलाके में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर राजेश व डॉक्टर संदीप को फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए लाखों की फिरौती मांगी थी। इसी मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने 5 जुलाई को दिल्ली से 2 आरोपियों को 15 लाख रुपए के साथ दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो पूरे गिरोह की एक एक कलाई खुलकर सामने आ गई। बता दें कि गिरोह का मास्टरमाइंड दलेर आपराधिक प्रवृत्ति का है और वो 2 वर्षों से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के सदस्यों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।